आज की वीडियो में हम लोग सर्दियों में यूज होने वाली इंग्लिश देखेंगे। तो देखो, सर्दी या ठंड का जो मौसम होता है उसको कहते हैं विंटर, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन जो कड़ाके की ठंड होती है या कड़ाके की सर्दी होती है उसे कहते हैं एक्सट्रीम विंटर। जैसे कहना है सर्दियाँ आ चुकी हैं तो कहेंगे विंटर हैज़ अराइव्ड, और कहना है कड़ाके की सर्दी आ रही है तो कहेंगे एक्सट्रीम विंटर इज़ अराइविंग। लेकिन अगर आपको कहना है कि आज सर्दी है तो आप ये नहीं कहेंगे इट इज़ विंटर टुडे, आपको कहना होगा इट इज़ कोल्ड टुडे। क्यों? क्योंकि विंटर कहते हैं सर्दी के पूरे मौसम को, इसीलिए यहाँ पर कोल्ड का यूज़ करेंगे। चलो अब हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों की इंग्लिश देख लेते हैं जो सर्दियों में यूज़ करते हैं, जैसे स्वेटर, जैकेट, मफलर, शॉल, दस्ताने, टोपा, गर्म कपड़े, रजाई, गद्दा, कंबल वगैरह। तो देखो, सबसे पहले स्वेटर को इंग्लिश में कहते हैं स्वेटर, जैकेट को इंग्लिश में कहते हैं जैकेट, मफलर को इंग्लिश में कहते हैं मफलर, और शॉल को कहते हैं शॉल। दस्ताने को इंग्लिश में दस्ताने नहीं कहते हैं, दस्ताने को इंग्लिश में कहते हैं ग्लव्स। टोपा को इंग्लिश में कहते हैं विंटर कैप, और गर्म कपड़ों को इंग्लिश में कहते हैं विंटर क्लॉथ्स या वार्म क्लॉथ्स। रजाई को कहते हैं क्विल्ट, और गद्दे को कहते हैं मैट्रेस, और कंबल को ब्लैंकेट। अब देखो, जब सर्दी लग रही हो तो कपकपाते हुए आग जलाकर उसके सामने बैठकर मूंगफली खाते हुए हाथ तापने का तो एक अलग ही मजा है। चलो देखते हैं इस वाक्य में यूज होने वाले शब्दों की इंग्लिश। लेकिन उससे पहले, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो लास्ट तक अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो देखो, सबसे पहले सर्दी लगना, सर्दी लगने को इंग्लिश में कहते हैं फील कोल्ड। जैसे कहना है मुझे सर्दी लग रही है तो कहेंगे आई एम फीलिंग कोल्ड। उसके बाद है कपकपाते हुए, तो कपकपाने को इंग्लिश में कहते हैं शडर, जैसे मैं कपकपा रहा हूँ आई एम शडरिंग। उसके बाद है आग जलाना, आग जलाने को इंग्लिश में कहते हैं सेट फायर, जैसे कहना है आग जला दो तो कहेंगे प्लीज सेट फायर। उसके बाद है मूंगफली, मूंगफली को इंग्लिश में कहते हैं पीनट। उसके बाद है हाथ तापना, हाथ तापने को इंग्लिश में कहते हैं वार्म द हैंड्स, जैसे कहना है मैं हाथ ताप रहा हूँ तो कहेंगे आई एम वार्मिंग माई हैंड्स। अब देखो, सर्दियों के मौसम में ठंडी हवा तो ज़रूर चलती है, तो ठंडी हवा को कहते हैं कोल्ड विंड। इसी तरह आपको सुबह सुबह कोहरा भी दिखेगा, उस कोहरे को इंग्लिश में कहते हैं फॉग, और ओस भी सुबह नज़र आती है उसको कहते हैं ड्यू। अब देखो, लास्ट में एक पॉइंट की चीज़ देख लेते हैं, वो क्या है कि सर्दी लगना उसको कहते हैं फील कोल्ड, यह भी हमने आपको बताया। लेकिन सर्दी लग जाना जिसकी वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है, उस सर्दी लगने को कहते हैं कॉट बाय कोल्ड या अंडर द वेदर। जैसे कहना है उसे सर्दी लग गई तो कहेंगे ही इज कॉट बाय कोल्ड या ही इज अंडर द वेदर। तो बस यही थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने सर्दियों में यूज होने वाली इंग्लिश देखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।